अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आपका भाई वासे अभी एक बार फिर आपके साथ है। और जैसे कि एक एक कर खेलों की सारी सरगर्मियां बिकॉज ऑफ दिस करोना वायरस ख़त्म होती जा रही थी, तो आज पाकिस्तान से भी एक बड़ी अफसरदा खबर कि पाकिस्तान सुपर लीग के आज दोनों सेमीफाइनल स्केजुअल थे और कल फाइनल स्केजुअल था और रीस्केजुअल किए गए थे ये लाहौर में, लेकिन दोनों ही ख़त्म कर दिए गए और बड़ा मायूस दिन है। और पहले ही इंडियन प्रीमियर लीग भी हमने बताया कि पोस्टपोन कर दी गई 15 अप्रैल तक। और जिस तरह से करोना वायरस एक बड़ा बिगेस्ट थ्रेट बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए, तो यार हम जैसे स्टूडेंट ऑफ द गेम्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। अब देखना ये है, और आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मेरे साथ आपको दो लोग नज़र आ रहे हैं, मैं दोनों का तारुफ कराऊंगा। क्योंकि आज जब सुबह मैं उठा तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो मेरे राइट पर मौजूद हैं इनका भी तारुफ कराता हूँ, इनकी कॉल आई। और मेरे लेफ्ट पर मौजूद हैं उस प्रोग्राम के होस्ट जहां हमने ये सैड स्टोरी डिस्कस की कि पाकिस्तान सुपर लीग अपने मंतकी अंजाम को फिलहाल नहीं पहुंचा, अब इसमें कुछ वक्त दरकार है, ये रीस्केजुअल होगा, फिलहाल इसको मुलतवी कर दिया गया है। तो मैं पहले तो तारुफ कराता हूं कि मेरे जो इस प्रोग्राम के होस्ट थे आज, मैं जहां पाकिस्तान में जिस चैनल पर बैठा हुआ था, बड़े ही ज़बरदस्त पाया मैंने इन्हें एज अ पर्सन, काम और कंपोज किस्म के इंसान है और बड़ा अच्छा होमवर्क होता है इनका, बतौर एंकर एक बड़ी ब्रिलियंट सी शख्सियत मुझे लगे। तो मैंने कहा क्यों ना आज यूट्यूब पर आप लोगों से भी मुतारिफ कराऊं इनको। इनका नाम है जमशेद अहमद। जमशेद कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुना? आज कैसा लगा आपको कि हम लोग मतलब यार उम्मीद लगाए बैठे थे? हम तैयारी तो करके आए थे कि सेमीफाइनल के हवाले से हम बातचीत करेंगे, फाइनल के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन एक मायूसकुन खबर जो जिस तरीके से हमें पता नहीं था, जैसे ही अचानक हम सुबह यहाँ पर पहुँचे तो एक मायूसकुन खबर हुई है। और जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट्स थे सब खत्म हो गए, और अनफॉर्चुनेटली ये पीएसएल जो हम मुश्किल से करवाना चाह रहे थे क्योंकि 22 को होना था फाइनल, फिर हमने देखा 18 को किया गया, रीशेड्यूल किया गया, लेकिन उसको भी हम बहरहाल फिलहाल तो मुलतवी किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ये कोरोना का जो है मामला हल हो जाएगा, इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा और हम फाइनल देखने को मिलेंगे जी। और दोस्तों मेरे राइट पर मौजूद हैं ये कोई और नहीं, इनका नाम है सैयद फैजान बाकर नकवी, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी सर्टिफाइड लेवल 2 कोच हैं, और यहाँ पर ये एक दो अकेडमीज भी रन कर रहे हैं और बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, बड़ी खिदमात है इनकी। तो ये वो स्टार्स हैं जो आपको कभी कहीं किसी मीडियम पर नज़र नहीं आते, बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन ये टैलेंट से इतना मालामाल है ये इंसान। अभी मैं बात करूंगा तो आप सबको पता चल जाएगा कि मैं इसकी क्यों तारीफ कर रहा हूं, मैं इससे क्यों बात कर रहा हूं, और मैं आज आपके सामने इनको लेकर क्यों हाजिर हुआ हूं। और ये इस प्रोग्राम में मेरे साथ अपने एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे रहे थे, और ऐसा माजी में भी इकट्ठा हमने काफ़ी किया है, तो मैं तारुफ भी करा दिया और अब बात करते हैं स्ट्रेट अवे। फैजान कैसे हैं आप? सर वासिफ भाई थैंक यू, आज आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा, सुबह मैंने आपको तंग कर दिया। हाँ। सुबह सुबह अर्जेंट मैंने फजर में कॉल की क्योंकि मुझे ये कहने के इतने कुछ सीनरी डेलर ऐसा हो रहा था कि सही बंदा चाहिए बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में, बड़ा मैच था सेमीफाइनल, तो मैंने तकलीफ तो दिया आपको, मगर मैं सुबह कर लेता हूँ, प्यार मोहब्बत है आपसे मुझे, तो आपने किया 9 बजे आपको रिटर्न कॉल। यूएफए के टूर्नामेंट, गोल्फ के इवेंट, फिर IPL, साउथ अफ्रीका चली गई इंडिया से, उसके बाद भी पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा था बगैर तमाशाइयों के, तो मुझे भी बहुत ऑड लग रहा था। तो फैसला कैसा लगा कि यार इंसानी जान से बेहतर और बढ़तर तो कुछ भी नहीं है मेरा ख्याल से? एग्जैक्टली वासे भाई, सेफ्टी फर्स्ट, बीइंग अ कोच भी हम क्रिकेट ग्राउंड की बात करते हैं तो हम बच्चों जब नेट करा रहे होते हैं हम सबसे पहले नेट के इर्द गिर्द कोई बल्ला कोई ऐसी चीज ना रखी जिससे बच्चे को घर डालो, तो सेफ्टी फर्स्ट जो बेसिक है। तो जाहिर एक इंटरनेशनल पैनेडेमिक्स है जिसको वबा कह लीजिए आप उर्दू में, तो वो जाहिर इतना फैल चुकी है, इतना लोगों में खौफ और हराज और एक मुश्किल सूरत हाल है दुनिया की, निराश हो गई है पूरी दुनिया, निराश है। सही आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि निराश हो गई, और देखिए अलमिया वाली सूरत इख्तियार कर गए, हमें रंजीदा कैफियत सी हो गई, खेलों के मैदान आबाद नहीं है, जाहिर है कि हमारे एक ही एक्टिविटी पूरी दुनिया में एशियन कंट्रीज की बात करें, फुटबॉल टीमें कैसी लगी? कोटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अच्छी लगी आपको? सर इस साल कोटा ग्लैडिएटर्स तो अच्छी से ज्यादा मुझे बुरी लगी। क्यों? उसकी वजह अब्दुल रजाक आखिरी वक्तों में फिर जुड़ गए, तो उनके साथ अब्दुल रजाक के जुड़ने के साथ साथ ये देखा गया इस बार के जिस तरीके से सुबह पहला ओपनिंग मैच हुआ उससे पहले खिलाड़ी का वाकया हो जाना, और फिर एक उसी खिलाड़ी को रोते रहे और जो रेंज में मौजूद था उसे आखिरी मैच खिलाया, उसने परफॉर्म कर दिया, जिन जो दवा मौजूद थी उसका इस्तेमाल नहीं किया, और जो दवा नाकारा थी एक्सपायर हो चुकी थी उस पर बात की जा रही थी, यानी MS शहजाद की बात कर रहे हैं आप खुलकर, तो बस यही समझ लीजिए आप कि दवा मौजूद थी दर्द के इलाज के लिए, आपने इस्तेमाल नहीं की, आपने बिलीव नहीं किया, तो आपने जब नुकसान उठाया तो आपको इजाला अंदाज हो गया, 1 इनिंग और 7 इनिंग का डिफरेंस सामने आ गया।
जमशेद भाई, अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँ कि आपसे अगर मैं पूछूं कि यार एक प्लेयर बता दें पाकिस्तान सुपर लीग से पिछले दो एडिशंस जो मुझे याद हैं, बड़े अच्छे अच्छे नौजवान प्लेयर्स आए थे, अगर मैं इस बार बताऊं तो बड़े सारे प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई, जो सेटल्ड नौजवान थे, इब्तिसाम कहीं नहीं दिखा, उमर खान को मौके नहीं मिले, अगर उसके बावजूद मैं आपसे पूछूंगा कोई प्लेयर जो आप समझते हैं, आपने यहाँ इतने सारे प्रोग्राम में होस्टिंग की, कौन सा प्लेयर मिला इस बार पाकिस्तान सुपर लीग से हमें? पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे बड़ा जो यंगस्टर इस बार हमें मिला है, जो फ्यूचर में नजर आता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में आने वाला है, वो है पिशावर धर्म से खेलने वाले हैदर अली, जो अंडर 19 के प्लेयर भी हैं, अंडर 19 में अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खेल के आए, बहुत अच्छे फॉर्म में भी है, और अगर पेशावर जर्मी को इस स्टेज पर पहुंचाया है तो इसी प्लेयर ने पहुंचाया है, वरना इस लायक की भी पेशावर जर्मी इस बार थी नहीं। जी हाँ, और मैंने आपको कहा था हैदर अली पर मैं बात करूंगा आपसे व्यूअर्स, और मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही शोर है, और आज मैं अपना वो व्यू पॉइंट जो 8 दिन से महफूज रखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अपने करियर की इब्तिदा में बाबर आजम इतने अच्छे हिटर नहीं थे, ये हैदर अली भी स्टिल हेड से खेलते हैं, बिल्कुल कंपोज रहते हैं, और बॉडी के साथ साथ इनका हेड मूव होता है, कहीं गिरता नहीं है, लेकिन ये इतना कमाल का क्लीन स्ट्राइकर है इस ऑनगोइंग पाकिस्तान सुपर लीग में हम सब ने देखा, और आज के लिए इतना ही, और जिस तरह पूरी दुनिया में धड़ाधड़ सारे इवेंट्स कैंसिल होते जा रहे थे, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो आखिरी मरहला था ये फिलहाल खत्म कर दिया गया है, मजीद किसी प्रोग्राम में बात करूंगा, जब तक के लिए अपने भाई वासे हबीब को, आज के मेरे दोनों मेहमान फैजान बाकर और जमशेद अहमद के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।